प्रिय दर्शकों, हमारे श्रीमन्नारायण ज्योतिष संस्थान में आपका स्वागत है। आज हम आपके लेकर आए हैं जनवरी 2022 में मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा पूरा महीना, पूरे महीने में जनवरी के पूरे महीने में कैसा रहेगा स्थिति, ग्रहों की स्थिति क्या फल होगा, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करें कि आपको लाभ होगा, क्या न करें, और मुख्य रूप से कौन से व्रत अथवा त्यौहार इस महीने में आप आएंगे और कौन सी तारीखें मकर राशि वालों के लिए इस महीने में शुभ होंगी और क्या उपाय करें कि जो आपका यह महीना अच्छा ढंग से जाए। पूरे अंत तक यह वीडियो देखिए तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। इस महीने में मुख्य रूप से गुरु गोविंद जयंती 9 जनवरी को होगी, लोहड़ी का पर्व 13 जनवरी, मकर संक्रांति 14 जनवरी, पौष पूर्णिमा 17 जनवरी, श्री गणेश संकट चौथ 21 जनवरी और गणतंत्र दिवस 73वां गणतंत्र दिवस इस बार 26 जनवरी को होगी। अब आइए हम आपको बताते हैं मकर राशि वालों के लिए मुख्य रूप से तारीखें कौन सी हैं जो आपके लिए शुभ रहेंगी। 8 जनवरी, 9 जनवरी, 16 जनवरी, 18, 19, 25 और 28 जनवरी, इन तारीखों को कोई भी बड़ा शुभ कार्य करते हैं, कोई बड़ा निर्णय लेने जाते हैं तो इन तारीखों को करें तो आपको लाभ होगा। हम आपको बताते हैं कि मकर राशि के ग्रहों की स्थिति, मकर राशि के लग्न पर ही शनि स्वगृह विराजमान है, क्योंकि आपके राशि के मालिक शनि हैं और लग्न पर ही विराजमान है। बुध के साथ बिजनेस में अच्छी सफलता आपको मिल सकती है। शनि की मध्य साथी चल रही है जो कभी कभी आपको भाग दौड़, टेंशन और खर्च की अधिकता बनेगी, लेकिन इस महीने अच्छा जाएगा, मन अनुकूल सफलता मिलेगी, दाम्पत्य जीवन सुखी रहेगा। पत्नी के थोड़ी सी स्वास्थ्य में कमी आ सकती है, आपके दाम्पत्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन बहुत अच्छा रहेगा। कहीं आपका अगर प्रेम संबंध चल रहा है तो उसमें सफलता मिलेगी आपको। जनवरी का महीना ज़्यादातर आपके लिए अच्छा है, बस दाम्पत्य जीवन के प्रति आपको चिंता बनी रह सकती है, इसलिए थोड़ा सा दाम्पत्य का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, चिंता ज़्यादा न करें, आगे अच्छा समय आपका आने वाला है। पंचम में राहु है जो कि चिंता उत्पन्न कर सकता है और संतान या विद्या बुद्धि के प्रति चिंतित रह सकते हैं, इसलिए आप चिंता न लें, आगे उन्नति होने वाली है। अचानक आपको लाभ हो सकता है, अचानक नौकरी में ही उन्नति हो सकती है और कोई नया प्रेम संबंध आपको मिल सकता है या बन सकती है, थोड़ी सी इसमें सावधानी आपको बरतनी चाहिए। और नेत्र संबंधी या मस्तिष्क संबंधी भी आपको विशेष रूप से अपना ध्यान रखना चाहिए। कुछ लग्जरी सुविधाओं में भी खर्च हो सकता है, कहीं यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती हैं, कहीं अपने देश में या विदेश में या पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा की यात्राएं आपको करनी पड़ सकती है, उसमें सफलता मिलेगी, लाभ होगा आपको। ज़्यादातर यह महीना अच्छे ढंग से जाएगा, आपको टेंशन अनिद्रा से विशेष रूप से बचना चाहिए, चिंता न करें तो अनिद्रा अपने आप नहीं होगी। अब हम आपको बताते हैं कि यह पूरे महीने में कैसा रहेगा स्वास्थ्य। इस महीने में स्वास्थ्य मिला जुला असर देखने को मिलेगा, न तो बहुत खराब है न अच्छा है, मीडियम रहेगा। बस निद्रा पूरी करें और पेट का और नेत्र का विशेष रूप से ध्यान रखें। कैसा रहेगा व्यवसाय आपके लिए, व्यवसाय ज़्यादातर सफलता मिलेगी, नौकरी में भी सफलता मिलेगी, उन्नति होगी, वहाँ आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा और उन्नति होगी, धन की वृद्धि, बैंक बैलेंस आपका बन सकता है। हम आपको बताते हैं कैसा रहेगा रोग और शत्रु। शत्रु से सावधान रहें, शत्रु आपका कुछ उसे बिगाड़ नहीं सकते, लेकिन अपनी गुप्त बातें सबको न बताएं, और कोई मुकदमा इत्यादि चल रहा है तो उसमें आपको सफलता मिलेगा, लाभ होगा, शत्रु पर विजय मिलेगा। कोई रोग इत्यादि है तो ठीक होने की संभावनाएं हैं और रोग भी अगर कोई है तो ठीक हो जाएगा। अब आपको बताते हैं दाम्पत्य प्रेम संबंध आपका अच्छा रहेगा इस महीने में, प्रेम संबंध विवाह इत्यादि जो है, अगर विवाह हुआ है तो प्रेम अच्छा रहेगा और नहीं हुआ है तो होने की संभावनाएँ बन सकती हैं। अब कैसा रहेगा विद्या और यात्रा इस महीने में, अगर कोई परीक्षा इत्यादि दे रहे हैं तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, मन थोड़ा सा आलस करेगा, लेकिन आप मन लगाकर करें, वहाँ पर राहु उच्च का है तो आपको अचानक सफलता मिल सकती है। और यात्रा भी आपको करने के योग जबरदस्त बन रहे हैं, आप ईशान कोण या पूर्व दिशा की यात्राएं पर भी जा सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि कैसा रहेगा और क्या ऐसा उपाय करें जो कि पूरा महीना अच्छे ढंग से जाए। ऐसे में आप सात्विक रहें, मांस मदिरा का सेवन न करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, अपनी छाया दान करें, सरसों के तेल में मुंह दे करके दान करें, गरीबों को कम्बल दान करें, भंडारा करें और हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का प्रतिदिन पाठ करें या काल भैरव स्रोत का आपको पाठ करना चाहिए। और अगर ज़्यादा दिक्कत आपको आ रही है दाम्पत्य से लेकर, तो आप श्री नारायण कवच अष्टधातु में बनवा करके
उसको धारण करें तो आपको सफलता मिलेगी। हम आशा करते हैं कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। श्रीमन्नारायण। भूमि, भवन, वाहन, धन, संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से है परेशान और चाहते हैं उनका संपूर्ण निदान, तो आचार्य पंडित अवधेश द्विवेदी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 8510997810। हमारा ईमेल आईडी है shrimannarayanjyotishsansthan@gmail.com। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह प्रवेश, काल सर्प दोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं। व्यापार में रुकावट, गृह क्लेश, आर्थिक समस्या इत्यादि का समाधान किया जाता है।